फ्रेंड्स, मैं हिमांशु राव, देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट लेवल। एक ऐसी स्टोरी जो कि इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद के बारे में। इनकी लव स्टोरी मानो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है कि साथ ही साथ जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग हैं जो इन्हें पसंद करते हैं या यूँ कहें इनकी दोस्ती को पसंद करते हैं, वो इतने कंफ्यूज रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता है दोनों के बीच में प्यार है या फिर प्यार से कुछ ज़्यादा। लेकिन अब खबरें सामने आ चुकी हैं कि वरुण जो है वो दिव्या को एक बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल स्पेशल मानते हैं। जी हाँ, वरुण ने कन्फेस कर लिया है फाइनली दिव्या अग्रवाल से कि वो उनसे प्यार करते हैं और बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा कुछ फील करते हैं उनके लिए। वेल, आप सभी को बता दें कि इनकी लव स्टोरी ऐसे नहीं शुरू हुई। जी हाँ, आप सभी को ये बता दें कि वरुण की एक्स गर्लफ्रेंड बनाक्षा सुनावाला है। जी हाँ, ये सारी जो कह सकते हैं जो लव स्टोरी है वो घूम फिर के एक शो पर आके टिक गई और इसी शो में वरुण और दिव्या का प्यार जो है, या यूँ कहें कि वरुण का जो प्यार है वो फाइनली सबके सामने आ चुका है। हम आपको पूरी की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर ये लव ट्रायंगल कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से जो ये स्टोरी है ये सामने आई, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। इन सभी के रिश्तों का खुलासा करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से वरुण और दिव्या की जो ये अनसुनी स्टोरी है, या यूँ कहें कि कैसे एक रियलिटी शो में रिश्ते बनते हैं, बाहर जाने के बाद टूट जाते हैं, और इसी को सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें अब सामने आती है कि एक कपल यानी कि बाहर से बनी जो दोस्ती है वो रियल लाइफ में आके ऐसे एक्सपोज होती है कि लोग कहीं ना कहीं डाउटफुल रहते हैं कि आखिर क्या ये भी प्री प्लान था या फिर ये सारी चीज़ें एक शो में आकर हो जाती है। यानी कि आपको प्यार हो जाता है किसी से, आप उसे दोस्त मानते हैं और पूरे शो के दौरान बेस्ट फ्रेंड कहते हुए आते हैं, लेकिन एक दिन आप उन्हें कन्फेस करते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं जो फैंस होते हैं उनके दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या ये चीज़ें प्री प्लान होती हैं या फिर शो में आने के बाद आपको एहसास होता है कि नहीं, दोस्ती से कुछ ज़्यादा मैं महसूस करता हूँ उस लड़की के लिए या फिर उसके लिए ऐसी फीलिंग रखता हूँ। आप सभी को बता दें कि बिग बॉस जैसे शो में प्यार होना या फिर दोस्ती होना आम बात बन चुकी है। सीजन 11 में बनाक्षा की दोस्ती हुई प्रियांक शर्मा से, तो आप सभी को रिमाइंड करवा दें कि प्रियांक शर्मा स्प्लिट्स विला में दिव्या अग्रवाल के साथ नजर आए थे, जहां पर दोनों को प्यार हुआ था। जी हाँ, दोनों की बॉन्डिंग नजर आई थी, दोनों ने अपने प्यार को कन्फेस किया था और बाहर आने के बाद भी प्यार थोड़ा बहुत देखने को मिला। लेकिन जब बिग बॉस में गए प्रियांक शर्मा तो उनकी क्लोजनेस बढ़ती हुई दिखी बनाक्षा सुनावाला से। अब बनाक्षा सुनावाला के बॉयफ्रेंड कौन है, वो थे वरुण सूद। जी हाँ, वरुण सूद और बनाक्षा सुनावाला एक दूसरे को काफ़ी समय से डेट करते हुए आ रहे थे। लेकिन जब वरुण सूद की एक्स गर्लफ्रेंड बनाक्षा सुनावाला जब बिग बॉस में गई और उनकी क्लोजनेस प्रियांक शर्मा से बढ़ती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं जो बाहर बैठे लोग थे यानी कि दिव्या अग्रवाल जो कि प्रियांक के साथ थी और वही वरुण सूद जो कि बनाक्षा के साथ थे, दोनों को बहुत ही बुरा लगा कि ऐसी क्लोजनेस कैसे बढ़ रही है। लेकिन बाहर आने के बाद भी हम सभी को देखने को मिला कि वरुण सूद ने किस तरीके से बनाक्षा को सपोर्ट किया और दिव्या अग्रवाल को समझाते हुए नजर आई बनाक्षा कि उनके और प्रियांक के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन इन सभी बातों के बीच में ऐसी चीज़ सामने आई जो कि वरुण ने खुद कन्फेस करी कि किस तरीके से बनाक्षा जो थी उन्हें चीट कर रही थी ओवर प्रियांक शर्मा, और बनाक्षा की क्लोजनेस इस तरीके से बढ़ी या यूँ कहें उन्होंने झूठ बोला वरुण सूद से। इन सभी के बीच में कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई, किस तरीके से बनाक्षा ने दो लड़कों को साथ में डेट किया, अगर खबरों की माने तो प्रियांक और वरुण सूद को साथ में डेट कर रही थी, जिसके बारे में वरुण को पता चला और ही फील लाइक चीटेड और उन्होंने बनाक्षा के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए।
तो वही एक शो में हुई ये चीजें लेकर दिव्या अग्रवाल भी कई बार गुस्से में नजर आई कि एक शो में जाके क्लोजनेस इतनी नहीं बढ़ती है, और साथ ही साथ बाहर भी उन्हें ढेर सारे सवालों का जवाब देना पड़ रहा था कि आखिर प्रयाग और उनके बीच में जो था, जो स्प्लिस विला में देखने को मिला था, क्या वो सब फेक था। इन सभी चीज़ों को लेकर ढेर सारे सवाल दिव्या अग्रवाल से पूछे जाते थे, जिसका जवाब वो यही कह के देती थी कि उनके तरफ से तो रियल था, लेकिन क्या कुछ हुआ ये आप सभी ने देखा किस तरीके से दिव्या अग्रवाल एस ऑफ स्पेस में यानी रियलिटी शो MTV पे जो आ रहा है उसमें कई बार बातें करते हुए देखी गई कि किस तरीके से प्रियांक ने उन्हें धोखा दिया या फिर उनके बारे में ढेर सारी बातें वो करती हुई नजर आ रही थी, जिस पर प्रियांक ने अपने इंस्टा अकाउंट पर लेटर भी लिखा था कि मेरे बारे में बात करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप पब्लिसिटी स्टंट मत करिए या फिर बहुत सारी बातें शो जीतने के लिए मेरा सहारा ना लें, ऐसी बहुत सारी बातें प्रियांक शर्मा ने अपने ओपन लेटर में लिखी थी, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि प्रियांक शर्मा की तरफ से दिव्या अग्रवाल के लिए कुछ भी फीलिंग बाकी नहीं है। वेल, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाप्सा और प्रियांक की दोस्ती तो अभी भी हमें देखने को मिलती है, या यूँ कहें दोस्ती से कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अब बात जो चल रही है, या क्यों कहें ब्रेकिंग जो चल रही है, वो ये चल रही है कि दिव्या और वरुण सूद जहाँ दोस्ती की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, फाइनली वरुण सूद ने कन्फेस कर ली है हिज फीलिंग टूवर्ड्स दिव्या अग्रवाल, दैट ही लव दिव्या अग्रवाल। साफ साफ वरुण सूद ने कह दिया है कि वो दिव्या से प्यार करते हैं और दिव्या अग्रवाल बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज़्यादा है उनके लिए। वेल, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दिव्या अग्रवाल के बर्थडे पर वरुण सूद उन्हें यही सरप्राइज देना चाहते थे कि क्या वो उनसे प्यार करते हैं। वेल, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिव्या ने अभी तक कुछ कन्फेस नहीं किया है, लेकिन वो ये कहती हैं कि वो वरुण सूद की बहुत केयर करती हैं, वो उन्हें अपना मानती हैं, तभी उनके बारे में ढेर सारी बातें करती हुई नजर आती हैं। लेकिन वही एक और शख्स है जो कि इन सभी के बीच में है, वो है चेतना। वेल, चेतना ने जिस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, जिस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात रखती हैं, और साथ ही साथ हर चीज़ को हैंडल करना उन्हें बखूबी तरीके से आता है। वेल, वरुण और दिव्या की ये लव स्टोरी तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि वो दिव्या अग्रवाल यू वरुण सूद जो कि कहते थे एक रियलिटी शो में रिश्ते इतनी क्लोजनेस नहीं बढ़ते हैं, तो क्या इनका जो अब ये बॉन्डिंग चल रही है, इनका जो ये रिश्ता चल रहा है उस पर पॉइंट आउट ना करें, क्योंकि जैसे प्रियांक को बिनाप्सा की दोस्ती पे इन लोगों ने संभाले कि बाकी सभी लोगों ने सवाल उठाए थे, वैसे ही वरुण सूद और दिव्या अग्रवाल भी एस ऑफ स्पेस में यही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, उस टाइम ऐसी खबरें थी कि टूटा है नहीं टूटा है, लेकिन वरुण और बिनाप्सा के बीच में अब कुछ नहीं है ऐसा माना जाता है, और साथ ही साथ प्रियांक और दिव्या के बीच में अब कुछ नहीं है ऐसा भी माना जाता है, और ऐसा ही है लग रहा है। लेकिन दिव्या की तरफ से दिव्या ने ये साफ साफ कहा है कि ऐसी चीज उनके साथ पहली बार हो चुकी है, यानी कि स्प्लिस विला में ऐसा उनके साथ हो चुका है कि कैसे एक शो में रिश्ते बनते हैं लेकिन बाहर आने के बाद वो सब खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। शो में तो आप बड़े स्टाइल दिखाते हैं, बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्रपोज करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद क्या हो जाता है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि कई बार रियलिटी शोज में रिश्ते बनते हुए देखे जाते हैं लेकिन बाहर आने के बाद वो रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, या यूँ कहें कि वो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ फेक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी शो तक होते हैं, बाहर आने के बाद हम कौन आप कौन इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। तो क्या ऐसा ही होगा दिव्या वरुण के साथ? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अगर खबरों की माने कि दिव्या और वरुण प्री प्लान कर आए हैं, या यूं कहें इनकी दोस्ती प्यार जो था वो बाहर भी था, लेकिन इन सभी चीज़ों पे अभी तक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ रूमर्स होती हैं, इन पे कोई क्वेश्चन या इन पे कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, ये बातें चलती हुई आती हैं। जिस तरीके से वरुण ने ब्यूटीफुली दिव्या अग्रवाल को प्रपोज किया है वो बहुत ही खूबसूरत लगा है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें रियलिटी शो के बाहर भी देखने को मिलेगी? क्योंकि कई बार ऐसे रिश्ते बनते हैं, जैसे कि प्रियांक का था दिव्या के साथ जो टूट गया, बिनाप्सा वरुण सूद के साथ टूट गया, लेकिन दिव्या शुरू से ही वरुण सूद के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती निभाती हुई आई है, साथ ही साथ वरुण सूद ने भी बड़ी खूबसूरत तरीके से दोस्ती निभाई है, लेकिन क्या
ये शो खत्म होने के बाद इनका जो ये कन्फेस है प्यार का वरुण का, क्या दिव्या उसको शो में ही हाँ कहती है या नहीं, बाहर आने के बाद इनका रिश्ता बढ़ता है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है देखने लायक होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जितने भी फैंस हैं वो इन दोनों पर नज़रें गड़ाए हैं कि आखिर इनका प्यार सच्चा है या इनकी दोस्ती सच्ची है, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के ज़रिए कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट था या फिर सीरियसली वरुण सूद यही फीलिंग रखते हैं दिव्या अग्रवाल यानी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, ज़रूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स के जरिए। और साथ ही साथ हमें यही बताइए कि आपको क्या लगता है बेटर कौन है वरुण सूद के लिए, चेतना या फिर दिव्या अग्रवाल, किसके साथ जोड़ी ज़्यादा जमती है वरुण सूद की, कौन है राइट गर्ल फॉर दिव्या फॉर वरुण सूद, ज़रूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स के जरिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास प्रोग्राम के साथ, लेकिन हमारे इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक एंड शेयर करेगा। आज के लिए बस इतना ही।